बाबा का शमधान, बाबा का शमधान, करेंगे हम आगे, हम होंगे कामयाब। हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से नौकरियां दी जाती, तनख्वाह कुछ नहीं होती, डेली 20 मिनट को रखा जाता है। हमारा प्रोग्राम है, इसको खत्म करके इनके हाथों में झाड़ुआ दी जाए। सम्मान के योग मंच के संचालन और प्रदेश दिल्ली के अंदर अशोक जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है और सभी समुदायों को बुला करके एक बहुत बड़ा हमें इस चीज का गर्व हो रहा है। मैं महिला मोहाली डिस्ट्रिक्ट प्रदेश प्रदीप शुद्ध जी और हमारे मुकेश अनारिया जी, रविंदर पाल जी और बिल्लू जी और बॉम्बे से आई हुई मैडम और दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष मैडम और जगह जगह से आए हुए लोग सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमारी सबसे बड़ा ताकत हम लोगों को एक होना है। हमने बाबा अम्बेडकर जी जो इस गुलशन को, इस समाधान को बना करके गए हैं, हमने इस गुलशन को संभालना है, इस गुलशन को हमने आबाद करना है और इस धरोहर को हमने बच्चे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और ये जो झाड़ू का हमारा प्रोग्राम है इसको खत्म करके इनके हाथों में झाड़ुआ दी जाए। जो बन के बैठे हुए जो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग बैठे, ये झाड़ू पकड़े, नालियों में उतरे और गटरों को साफ करें, तब इनको पता चलेगा क्या क्या होता है। हमारा समाज इतनी मेहनत करता है, हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से नौकरियां दी जाती, तनख्वाह कुछ नहीं होती, डेली 20 मिनट को रखा जाता है। क्या है डेली बूज 1200 रुपए इनको मिलते हैं। हमारे प्रदीप सूद जी जो डिस्ट्रिक्ट मोहाली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत दुधारू नेता समझो या बाबा अम्बेडकर के बच्चा समझो, इन्होंने इतनी और हमारे रविंदर पाल जी, हमारे मुकेश अनारिया जी किस कदर से मेहनत कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम कर रहे हैं, जगह जगह ये धरने प्रदर्शन और समाज के लिए बाबा अम्बेडकर जी के नष्ट कदमों पे खुद चल रहे हैं और लोगों को ये चला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी हिम्मत, हमें एकता में होना है। देश देश से आए हुए भारत के कोने कोने से लोगों को जागरूक होना होगा, बाबा अम्बेडकर जी के नष्ट कदमों पर चलना होगा और इस संविधान को आगे बढ़ाना होगा। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ और ये देश में अपना नाम कमाओ, जैसे बाबा अम्बेडकर ने नाम कमाया और आज सुर्खियों में उनका वो अमर है। मैं तो यही कहूंगी, बहन जी ने एक गाना गाया था, एक थोड़ा सा एक लफ्ज मैं भी कहूंगी, शायद वो कामयाब हो जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। बाबा का शमधान, बाबा का शमधान, करेंगे हम आगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। शायद इस गाने को मैं बनाऊं खुद और अच्छा लंबा बना करके कभी मौका मिला तो आप जो आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी। और मैं फिर धन्यवाद करती हूँ अपने प्रदीप सूद जी का, रविंदर पाल जी का और मुकेश अनारिया जी का और हमारे अशोक जी हैं जो दिल्ली में इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया है, किस कदर से पब्लिक को इकट्ठा किया है। मैं कहती हूँ भगवान इनकी बहुत लंबी उम्र करे, बाबा अम्बेडकर इनको आशीर्वाद दें कि ये हम सब वाल्मीक समाज को और शुरू कास्ट को आगे बढ़ाएं और हम इनके साथ हैं। अशोक जी आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।